फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ईदर और के बारे में। ईदर और कंजक्शन का एक पार्ट है और कंजक्शन का काम ये होता है दो बड़े सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के छोटा करके एक बना देना, और जो भी चीजें सेंटेंस में रिपीट हो रही हैं उन्हें रिपीट ना करके मर्ज कर देना, यानी कि सेंटेंस को छोटा बना देना लेकिन मीनिंग वही रहना। ये काम होता है कंजक्शन का, और ईदर और कंजक्शन का ही पार्ट है। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल से इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं ईदर और का मतलब क्या होता है। ईदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या फिर। ईदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या फिर। तो हिंदी क्या बनी? या तो या फिर, या तो या फिर। आइए कुछ एग्जांपल से इन्हें और अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ईदर और को चॉइस के लिए यूज किया जाता है जब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं और आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। जैसे आप मार्केट में एक वॉच शॉप पे गए, आपको दो वॉचेस पसंद आ गई लेकिन आपके पास पैसे सिर्फ एक ही वॉच के हैं, तो आप क्या बोलोगे? या तो मैं ये ले सकती हूँ या फिर ये ले सकती हूँ। या आपको दो पेन पसंद आ गए लेकिन आपके पास पैसे एक पेन खरीदने के, तो आप क्या बोलोगे? या तो मैं ये पेन खरीद सकती हूँ या फिर ये पेन खरीद सकती हूँ। या आपको दो पर्सेस पसंद आ गए लेकिन पैसे आपके पास एक ही पर्स खरीदने के हैं, तो आप क्या बोलोगे? या तो मैं ये पर्स ले सकती हूँ या फिर ये पर्स ले सकती हूँ। यानी कि ऐसे चॉइस वाले सेंटेंसेस में हम ईदर और का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल से इसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सचिन मैच जीतेगा, धोनी मैच जीतेगा, दो सेंटेंसेस हैं। अगर हम सिर्फ इन्हीं की इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो होगी सचिन विल विन द मैच, धोनी विल विन द मैच। लेकिन हमने क्या करना है? इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करके एक बनाना है ईदर और का यूज करके। तो हम कैसे बनाएंगे? या तो सचिन या फिर धोनी मैच जीतेगा, ईदर सचिन और धोनी विल विन द मैच। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे बना देते हैं ईदर सचिन विल विन द मैच और धोनी विल विन द मैच। ये बिल्कुल गलत है। विन द मैच दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज सेंटेंस में दो बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेट करेक्ट सेंटेंस जो आप ट्रांसलेट करेंगे वो ऐसे करेंगे, ईदर सचिन और धोनी विल विन द मैच। एक और एग्जांपल देखिए। मेरा भाई बुद्धिमान है, मेरा भाई चालाक है। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, हमने इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एक बनाना है, और कोई भी चीज सेंटेंस में रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमने ईदर और का यूज करके इसको एक बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? मेरा भाई या तो बुद्धिमान है या फिर चालाक है। माई ब्रदर इज ईदर इंटेलिजेंट और क्लेवर। यहाँ पे हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के एक बनाया है ईदर और का यूज करके। एक और एग्जाम्पल देखिए। सोहन सच बोल रहा है, मोहन सच बोल रहा है, ये दो सेंटेंसेस हैं। हमने इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के ईदर और का यूज करके एक बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? या तो सोहन या फिर मोहन सच बोल रहा है, ईदर सोहन और मोहन इज स्पीकिंग द ट्रुथ। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठेगा कि यहां पर इज क्यों आया? इज यहां पर इसलिए आया क्योंकि दोनों में से कोई एक सच बोल रहा है। किसी एक के लिए हमने इसका यूज किया है, चाहे नाम दो है लेकिन बात किसी एक की हो रही है, किसी एक के लिए हमने इसका यूज किया है। एक और एग्जांपल देखिए। अंदर आओ बाहर जाओ, कम इन गो आउट। अब इन दो सेंटेंसेस को हमने ईदर और लगा के एक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? या तो अंदर आओ या फिर बाहर जाओ, ईदर कम इन और गो आउट। फ्रेंड्स, यह मैं आपको एक बात और बहुत जरूरी बता देना चाहती हूं। बहुत से लोग ईदर को आइदर प्रोनाउंस करते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रोनाउंसिएशन दोनों ही ठीक है। ईदर भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो और आइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हो। अब बारी है आपकी,
एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, आप इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो ट्रांसलेट करने में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका सेंटेंस है, मैं खाना बनाऊंगी, मेरी बहन खाना बनाएगी। इन दोनों सेंटेंसेस को आपने जोड़ना है ईदर और का यूज करके। और फ्रेंड्स ये जरूर बताइएगा आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।